दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे नए चैनल अद्भुत को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में एक है द्वारका। दुनिया भर के इतिहासकार मानते रहे हैं कि ईसा पूर्व भारत में कभी कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन द्वारका की खोज ने दुनिया के इतिहासकारों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्बन डेटिंग के अनुसार खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है, जो आज से 4000 साल पहले समुद्र में समा गई थी। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका जन्म भारत में उस समय हुआ था जब बाकी दुनिया अपने भोजन और मल में फर्क करना तक नहीं जानती थी। समुद्र के नीचे मिला ये शहर साबित करता है कि अगर दुनिया में सबसे पहले किसी विकसित सभ्यता का जन्म हुआ था तो वो भारत में ही था। हिमयुग की समाप्ति ने हमारी दुनिया को एक नया रूप दिया जिसमें आज हम रहते हैं। बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर 400 फीट तक बढ़ गया। इस भयंकर बाढ़ ने दुनिया के सभी तटीय इलाकों को डुबोकर फिर से नए किनारों को जन्म दिया और पुराने किनारे समुद्र में समा गए। इसके साथ ही संसार के कई रहस्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में दफन हो गए, जिनमें से कई रहस्य पौराणिक समय से जुड़े थे। पौराणिक समय की वे कहानियां जिन्हें हम बस पौराणिक कथाएं मानते हैं, लेकिन भारत में समुद्र के नीचे कुछ ऐसे सबूत मिले जो इन पौराणिक कथाओं को काफी हद तक सच कर देते हैं। भारत में हुई एक खोज ने पुरातत्वविदों के सभी आंकड़ों को चुनौती दी और प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास फिर से लिखे जाने पर मजबूर हो गया। ये सबूत काफी हद तक हजारों साल पहले समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के हैं। समुद्र में दो प्राचीन शहरों के सबूत मिले जो 60 किलोमीटर जितने बड़े इलाके में फैले थे। वहां से मिली कलाकृतियों की जांच से पता लगा कि ये दुनिया की किसी भी पुरानी सभ्यता से कहीं ज्यादा प्राचीन है। तो क्या वाकई ये सबूत हजारों साल पुरानी उस द्वारका नगरी के हैं? आइए जानते हैं। महाभारत के समय भगवान कृष्ण की जिस द्वारका का उल्लेख महाभारत ग्रंथ में मिलता है, वो नगरी गुजरात के पास समुद्र की गहराई में पाई गई। 1980 के दशक तक भारतीयों को पता ही नहीं था कि जिस द्वारका में जाकर वह भगवान के दर्शन करते हैं वह वास्तविक द्वारका नहीं बल्कि अलग स्थान है। 1980 के दशक में भारत सरकार ने GSI के नेतृत्व में समुद्र में एक रिसर्च सर्वे करने का फैसला लिया। इस रिसर्च के दौरान ही खंबात की खाड़ी में ली गई रेडार स्कैन इमेज से पानी में डूबी हुई द्वारका की पहली झलक दुनिया को दिखाई दी। समुद्र के अंदर इस जगह का पता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने लगाया था, जिस दौरान वह सोनार का प्रयोग करते हुए समुद्र में पॉल्यूशन की स्टडी कर रहे थे। उन्हें पता लगा कि समुद्र में पाई गई इस जगह पर बड़े ही व्यवस्थित तौर पर बनी ज्यामितीय आकृतियां मौजूद हैं। समुद्र में 30 मीटर की गहराई में मौजूद ये जगह है, किनारे से 20 किलोमीटर दूर है, जो पानी के नीचे एक बहुत बड़े इलाके में फैली है। इस जगह पर पानी के नीचे पूरा का पूरा शहर मौजूद है, जिसमें घर, जलाशय, गलियां और पानी की नालियां पाई गईं। इस जगह के अध्ययन से पता चला कि ये शहर मोहनजोदाड़ो सभ्यता से भी पहले का है। 19 मई 2001 को मानव संसाधन मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी ने एक घोषणा की, एक प्राचीन सभ्यता के नष्ट होने के सबूत गुजरात के समुद्र तट के पास खंबात की खाड़ी में पाए गए, जिसे भगवान कृष्ण के द्वारा बसाई पौराणिक द्वारका नगरी माना गया। 1919 से 2001 के बीच हुए सर्वे में ली गई सोनार तस्वीरों से पता चला कि समुद्र के नीचे स्क्वायर और रेक्टेंगल आकार की कई आकृतियां मिली हैं, जो कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वहां मौजूद थी। इसका समुद्र में पाया जाना वैज्ञानिकों की उम्मीद से बाहर था। वैज्ञानिकों का कहना था कि समुद्र में मिली ये आकृतियां प्राकृतिक तौर पर नहीं बनी हो सकती। उनका मानना था कि ये आकृतियां मानव निर्मित हैं। खोज आगे बढ़ी तो पता चला कि खंबात के इलाके में समुद्र की 20 मीटर गहराई में इसके और भी कई राज दफन हैं। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर वहां से कई कलाकृतियां मिली, जिनमें एक लकड़ी का टुकड़ा, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पत्थरों के औजार, हड्डियां और दांत शामिल थे। इसके बाद ये कलाकृतियां
देश और विदेश की कई जानी मानी संस्थाओं को भेजी गई, जहां पर कार्बन डेटिंग से पता चला कि कलाकृतियों में मिली कई चीजें 9500 साल पुरानी हैं। इस हैरत अंगेज खोज ने पूरे पुरातत्व जगत को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि ये सबूत पूरी दुनिया में किसी भी प्राचीन सभ्यता से हजारों साल पुराने थे। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में खुदाई की और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने इकट्ठे किए। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई। 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी मिली। टीम ने पानी की गहराई में जाकर डूबे हुए शहर की तस्वीरें ली और विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद ही द्वारका को उसका गौरव मिल सका और भारतीयों समेत दुनिया भर के इतिहासकारों ने इसे मानव इतिहास की एक अनूठी और भव्य खोज माना। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस खोज ने यह साबित कर दिया कि ऐसा कोई शहर आज से 10,000 साल पहले मौजूद था। डॉक्टर एस आर राव ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ द लेजेंड सिटी ऑफ द्वारका में लिखा है कि पौराणिक द्वारका नगरी के अस्तित्व में होने के प्रमाण मिले हैं। किताब में बताया गया है कि भारत के गुजरात स्थित तटीय क्षेत्रों का कुछ इलाका हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया था। दोस्तों, वहां हुई खोजों से ये तो पता चल जाता है कि द्वारका जैसा कोई शहर कभी वहां मौजूद था, लेकिन उसके समुद्र में समा जाने की वजह कोई भी नहीं जानता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्राचीन शहर समुद्र में समा गया? पुराणों में कहा गया है कि महाभारत के खत्म होने के कुछ साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने से यह नगर समुद्र में विलीन हो गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 साल पहले खत्म हो गया था और भगवान कृष्ण की द्वारका का निर्माण 5,300 साल पहले किया गया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। दोस्तों, भले ही ये मालूम नहीं हो पाया कि द्वारका समुद्र में कैसे डूबी, लेकिन इससे मिले सबूत ये साबित करते हैं कि द्वारका जैसा विशाल और वैज्ञानिक शहर भारत में उस दौरान मौजूद था जब बाकी दुनिया का चिंतन खाना और पानी जुटाने तक सीमित था। दोस्तों, अब भी द्वारका के कई राज समुद्र की गहराई में दफन हैं, जो ना जाने कब से सबके सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम पानी में डूबी द्वारका नगरी का रहस्य पूरी तरह से जान पाएं। भारत के इस प्राचीन शहर की ये खोज साबित करती है कि दुनिया में सबसे पहले विकसित होने वाली सभ्यताओं में भारत हमेशा आगे रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुष। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। मिट टीवी के वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिट टीवी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाए। और हम इस बार एम करते हैं 1000 लाइक्स का, ठीक है? और हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखेगा, और हमारी नई चैनल है मेंस ऑफ टेक, उसको भी सब्सक्राइब करेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।